जय जोहार संगवारी हो, त कैसे हो आप मन हा। आज मेहा बनाए बर जात हो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सब्जी भूंजी और प्याज की सब्जी। सबले पहली मेहा आप मन ला बतात हो कि भूंजी होते का चीज है। जे मन हा छत्तीसगढ़ के हरे ओमन हा इला अच्छा से जानते संगवारी हो, और जे मन हा नहीं जानत होही तेकर मन बर मेहा बतात हो संगवारी हो। भूंजी बनाए बर सबले पहली नान नान मछली मन ला पानी से पकड़े जाते, ओकर बाद मा अब्बड़ अकन पेरा ला एक जगह मा सकले जाते, ओकर बाद मा पेरा ला फरियार के ओकर ऊपर मा मछली ला डाल देते, और फिर मछली के ऊपर मा पेरा ला डाल देते, तहने ओमा आगी बार देते। पेरा के साथ साथ मा मछली हा तको भुंजा जाते संगवारी हो। जब पेरा हा जल के राख हो जाही और एको कनी आगी नहीं रही ता मछली मन हा ऊपर मा दिखे लगते संगवारी हो। तहने मछली रा राख से हटा के भुने हुए मछली ला सकेल लेते और सुपा मा अच्छा से फोन लेते, जेकर से अगर राख या कोई भी गंदगी भुंजी में चिपके होही तो वह अलग हो जाते। अब भुंजी हा बाजार में बेचे बर एकदम तैयार ही संगवारी हो। मैं हा घलो बाजार से ही भुंजी ला खरीदे हूँ। भुंजी ला ड्राई फिश और सूखी मछली के नाम से घलो जानते। आप मन हा इला और का नाम से जानतो मोला कमेंट्स करके जरूर बताओ, और इसने ही रेसिपी देखे बर मोर चैनल मा बने रहो, और मोर वीडियो के नीचे लाइक के बटन ला दबाए बर झन भूला हो, और मोर चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भूला हो। मैं हा 200 ग्राम भूंजी ले हूँ, 2 बड़े साइज के प्याज ले हूँ जेला मैं हा बारीक टुकड़ा मा काट ली हूँ। 1 प्लेट मा मैं हा ले हूँ 1 दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, 2 छोटे इलायची, 1 चम्मच सरसों, 1 तेजपत्ता, 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 हरियर मिर्चा, बारीक कटे हरा धनिया, 5 ग्राम कसूरी मेथी जेला मैं हा गुनगुना पानी मा डुबाल के निकाल ले हूँ, 1 कप टमाटर प्यूरी। मिली कढ़ाई मा 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल हूँ। तेल हा जब गरम हो जाही तहने मैं हा तेज पत्ता ला डाल दे हूँ। तेज पत्ता हा जब भूरा हो जाही तहने मैं हा हरियर मिर्चा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, सरसों और बारीक कटे प्याज ला डाल दे हूँ, और चम्मच से अच्छा से मिला ले हूँ। प्याज हा जल्दी से गल जाए ओकर बर मैं हा आधा चम्मच से भी कम नमक डाल हूँ और अच्छा से मिला ले हूँ। जब प्याज हा गल जाही तहने मैं हा इमें कसूरी मेथी ला डाल दूँ और अच्छा से मिला ले हूँ। ओकर बाद मैं हा इमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँ और अच्छा से मिला दूँ। अब टमाटर प्यूरी ला डाल के 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के सबोला अच्छा से मिला ले हूँ, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छा से मिला दे हूँ, और ढक ढक के लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक और बीच में पानी छिड़क छिड़क के मसाला ला भून हूँ। ये देखो संगवारी हो, हमार मसाला हा अच्छा से भुना गए है। अब मैं हा इमें 3 बड़े ग्लास पानी डाल हूँ और चम्मच से अच्छा से मिला के ढक के गैस ला हाई फ्लेम में कर लूँ हूँ। अब 1 उबाल आए के इंतजार कर हूँ। ये देखो संगवारी हो, 1 उबाल हा आगे। अब मैं हा पहले से गर्म पानी मा धोए हुए भुंजी ला इमें डाल हूँ और अच्छा से चम्मच से मिला के ढक के लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक पका हूँ। 1 से 2 मिनट बाद सब्जी हा गाढ़ा हो जाही संगवारी हो। ये देखो संगवारी हो, ये सब्जी ला ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, काबर की ये सब्जी हा ठंडा होए के बाद मा और गाढ़ा हो जाते। अब मैं हा गैस ला बंद कर दूँ हूँ और ऊपर से हरा पत्ती धनिया डाल दूँ हूँ। हमार सब्जी हा बन के तैयार हो गई संगवारी हो। अब एला सर्व करे बर एकदम तैयार है।